सबसे पहली बात उस महापाप की करेंगे जिसको लेकर सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या देश में हिंदू आस्था, बहुसंख्यक समाज की आस्था के साथ भी करप्शन कर दिया गया है। क्योंकि आज भ्रष्टाचार की उस इमारत को ढहाना होगा, जमींदोज करना होगा उस भ्रष्टाचार की इमारत को जिसने आपके और हमारे विश्वास की मिठास में मिलावट करने का काम किया है। आंध्र प्रदेश का विश्व प्रसिद्ध तिरुपति बालाजी मंदिर, जिसके प्रसादम में मिलावट का महापाप हुआ, और बहुत मुमकिन है कि आपने भी इस प्रसाद को ग्रहण किया हो, आपने इन प्रसादम को, लड्डुओं को भगवान का आशीर्वाद समझकर खाया होगा। लेकिन कुछ लोगों ने अपने निजी फायदे के लिए, पैसे के लिए, स्वार्थ के लिए भगवान को भी इन मिलावटी लड्डुओं का भोग लगवा दिया। इसका खुलासा सबसे पहले आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने किया। इसके बाद अब देश भर में इस मुद्दे पर एक बड़ी चर्चा हो रही है। पिछले 5 सालों में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने तिरुमला की पवित्रता को कलंकित किया है। उन्होंने अन्नदानम, मुफ्त भोजन की गुणवत्ता से समझौता किया और घी की जगह पशु चर्बी का उपयोग करके पवित्र तिरुमला लड्डू को दूषित कर दिया। इस खुलासे ने चिंता पैदा कर दी है। हालांकि अब हम शुद्ध घी का उपयोग कर रहे हैं, मंदिर की पवित्रता की रक्षा करने का प्रयास कर रहे हैं। I myself am writing a letter to the Prime Minister, and myself am writing a letter to the Chief Justice of India also, explaining to them as to how Chandrababu Naidu has twisted the facts and why action should not be taken on Chandrababu Naidu for having done so. I met Chandrababu Naidu with him. I have taken the details of him, and I have told him that you have to take the available report. वो रिपोर्ट आप मुझे भेज दें, उस रिपोर्ट को मैं एग्जामिन भी करूंगा, स्टेट रेगुलेटर से भी बातचीत करूंगा, उनके उनका क्या कहना है उसको भी जानूंगा, उस जो रिपोर्ट है जिस सोर्स से आई है उस रिपोर्ट को पूरी तहकीकात करके, उसके सारे पहलुओं को ध्यान में रख करके सूटेबल एक्शन विल बी टेकन अकॉर्डिंगली। जो दोषी है उसको कड़ी से कड़ी और तुरंत सजा मिलनी चाहिए। इसको फास्ट ट्रैक पे आपको इसकी जांच करनी पड़ेगी, करनी चाहिए, क्योंकि करोड़ों लोगों का, हम सबकी आस्था का इसमें सवाल है। How ghee, which is prescribed by the Agal Shastra to be used for preparation of prasadam, has been adulterated with so many impurities and of cheap quality. And this has been observed by me since several years before. And I brought it to the concern officers and the chairman of the trust board, but they didn't care about this. It is a lonely fight for me. But now the new government took over and promised to clear all the debris. तो आपने हर एक पक्ष को सुना, सत्ता पक्ष, विपक्ष, केंद्र सरकार, मंदिर के पूर्व पुजारी संत। आंध्र प्रदेश के तिरुमला मंदिर में हर साल करीब 3 करोड़ श्रद्धालु दर्शन करने के लिए तिरुपति आते हैं, और इस संख्या रोजाना के हिसाब से करीब 82,000 होती है, यानी हर दिन 82,000 हिंदू इस मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं। अब आप सोचिए, एक दिन में 82,000 लोग जिस लड्डू को भगवान का प्रसाद समझकर खा रहे थे, उस लड्डू में जानवरों की चर्बी मिली हुई थी, किस तरह से यहां मिलावट का खेल था। बीते 9 जुलाई को ही मंदिर बोर्ड ने घी के सैंपल गुजरात के पशुधन लैब एनडीडीए सीएलएफ लिमिटेड को भेजे, और 16 जुलाई को इसकी लैब रिपोर्ट सामने आ गई। इसमें एक फर्म के घी में मिलावट पाई गई, जिसके बाद राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की फूड लैब ने बताया कि प्रसादम के लड्डू जिस घी से बनाए जा रहे थे उसमें फिश ऑयल यानी मछली का तेल था, बीफ टैलो यानी बीफ की चर्बी थी, और साथ ही उसमें लार्ड यानी सुअर की चर्बी भी थी। सोचिए, जानवरों के मांस का हिस्सा, मछली का तेल, चर्बी, ये तमाम चीजें इसमें मंदिर के प्रसादम में इस्तेमाल की जा रही थी। महापाप की लैब रिपोर्ट भारत 24 के पास है, इसमें उन तमाम चीजों को हमने पॉइंट आउट भी किया है जिसका जिक्र है इस रिपोर्ट में। तो तिरुमला मंदिर में इस पूरी व्यवस्था का संचालन
तिरुमला तिरुपति देवस्थानम टीटीडी कमेटी करती है। इस कमेटी का गठन हर दो साल में आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, यानी राज्य सरकार कमेटी तय करती है और यही कमेटी प्रसाद के लड्डुओं को बनाने के लिए सभी सामग्री को खरीदती है, ठेका देती है और फिर इसी कमेटी के वॉलंटियर्स इन लड्डुओं को तिरुपति मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को पहले से निर्धारित कीमतों पर दिया करते थे। और टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट की माने तो टीटीडी हर रोज प्रसादम के लगभग 3 लाख लड्डू बनवाता है। साल भर में लड्डुओं से बोर्ड की लगभग 500 करोड़ की कमाई भी होती है। बताया भी जाता है कि 1715 से लगातार प्रसाद में लड्डू बनाए जा रहे हैं, यानी 300 साल से ज्यादा वक्त से ये परंपरा चली आ रही है और 2014 में तिरुपति के लड्डू को GI टैग भी मिल गया था। अब इस नाम से कोई और लड्डू नहीं भेज सकता, ये भी तय हो गया था। लेकिन अब आप सोचिए, जिस लड्डू को प्रसाद के रूप में लाखों करोड़ों सनातनी ग्रहण किया करते थे उसमें धोखे की मिलावट की जा रही थी, लेकिन किसी ने ऐसा किया क्यों होगा, इसका मकसद क्या रहा होगा, इसका स्पष्ट जवाब हमारे पास नहीं है अभी। लेकिन टीटीडी के एक बड़े अधिकारी शमला राव और तेलुगु देशम पार्टी के MLC जी दीपक रेड्डी को एक बार जरूर सुनना चाहिए वो क्या कहना है। द रेट्स कोटेड बाय द टेंडरर्स फॉर व्हाटएवर रीजंस इज अनवायबल। द रेट्स आर सो लो दैट एवरीवन कैन से, नॉट नेसेसरीली एन एक्सपर्ट, एनीवन विल से दैट टीजर, यू कैन नॉट गेट घी प्योर cow ghee विच इज ऑफर्ड टू Swami at this rate, 320 rupees per kg. About 4-5 years ago, the Nandini and Karnataka Milk Federation head has given a press statement. I would like to show this. And in that he said, we are giving the lowest price to Tirupati for the last 50 years because of the love we have for the Lord. And anybody who is giving a price lower than this will automatically be doing contamination. And he's cautioned this 4-5 years ago. In spite of that, the earlier YCP government did not bother and they called middlemen to supply ghee. तो यहां सवाल ये उठाया गया कि जिस कीमत में गाय का घी खरीदने की बात कही गई थी, ये आम आदमी भी बता सकता है कि इस कीमत में गाय का घी मिल ही नहीं सकता है। कीमत से ही पता चल जाना चाहिए था कि कोई इसमें मिलावटी घी बेच रहा है, ये कहा जा रहा है मंदिर के पूर्व पदाधिकारी की तरफ से और नेता की तरफ से। वहीं टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्ट की माने तो टीटीडी हर रोज प्रसादम के लगभग 3 लाख लड्डू बनवाता है और साल भर में लड्डुओं से बोर्ड की लगभग 500 करोड़ रुपए की कमाई होती है। बताया भी जाता है कि वर्ष 1715 से ही लगातार प्रसाद में लड्डू बनाया जा रहा है, यानी करीब 300 साल से ज्यादा पुरानी परंपरा है और 2014 में तिरुपति के इन प्रसादम लड्डुओं को GI टैग भी मिल गया था। अब इस नाम से कोई और लड्डू बेच नहीं सकता है, ये भी तय हो गया था। हमने आपको स्टेटमेंट भी सुनवाया जिसमें कहा गया कि जो कीमत बताई गई थी उसमें 320 रुपये प्रति किलो का भुगतान कर के गाय का घी लेने की बात कही गई थी। आप खुद चेक करिए, आपके हाथ में हो सकता है फोन हो, आप किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं, शॉपिंग वेबसाइट पर, कि क्या 320 रुपए किलो में आपको गाय का घी मिल सकता है। खुद सोचिए, आप बाजार में गाय के शुद्ध देसी घी की कीमत है 1000 रुपए प्रति किलो, आप चेक भी कर सकते हैं, लेकिन लिया कितने में जा रहा था, 320 रुपए किलो। क्या ये मिलावट का स्पष्ट आंकड़ा सामने नहीं था? और इससे पहले कर्नाटक की नंदिनी कॉपरेटिव डेयरी सब्सिडी कीमत पर प्रसाद के लिए घी सप्लाई करती थी, लेकिन जगन सरकार जब आई तो नंदिनी कंपनी से घी की सप्लाई को रोक दिया गया और सस्ते घी के लालच में दूसरी कंपनी से घी लेने लगे। हुआ क्या आपके सामने है, टीटीडी को लड्डू बनाने के लिए हर दिन 300 से 500 किलो घी की जरूरत पड़ती है। इन कंपनियों ने 320 रुपए की कीमत पर घटिया घी सप्लाई कर दी और इसी घटिया घी से इन लड्डुओं को, यानी प्रसाद को बनाया गया। आप सोचिए, जिस घी से इन लड्डुओं को बनाया जा रहा था, सरकार बदलने के बाद तो उस घी को बनाने वाली कंपनी को टीटीडी ने ब्लैकलिस्ट कर दिया, जो बोर्ड है मंदिर का, और घी की जांच के लिए सैंपल को लैब में भेजा। लैब की रिपोर्ट आई, वो आपके सामने है, जिसमें लिखा गया है कि इसमें फिश ऑयल का इस्तेमाल किया गया है, इसमें जानवर की चर्बी से बना हुआ तेल का इस्तेमाल किया गया, जो रिपोर्ट आपके सामने है। इस घी को बनाने में जानवरों की चर्बी, मछली का तेल और सुअर की चर्बी भी शामिल है, सब कुछ जो है उसी लड्डू में गया।
अब आप समझिए कि हिंदू धर्म को मानने वाले करोड़ों लोगों के साथ कितना बड़ा सामूहिक धोखा किया गया है। इसलिए हम इसे पाप नहीं कह रहे, महापाप कह रहे हैं, क्योंकि हर धर्म में खान पान को लेकर आस्था के हिसाब से कुछ नियम है। जैसे डॉक्टर किसी खास बीमारी के दौरान कुछ खाने पीने की चीजों के लिए परहेज के लिए कह देते हैं, वैसे ही धर्म में भी खान पान को लेकर कुछ पाबंदियां हैं। जैसे जैन धर्म के लोग अमूमन शाकाहारी होते हैं, मांस मछली अंडा नहीं खाते। ज्यादातर हिंदू शाकाहारी होते हैं, कुछ लोग प्याज और लहसुन भी नहीं खाते। हिंदू जो मांसाहारी होते हैं वो हलाल यानी इस्लामी तरीके से काटा गया मीट नहीं खाते। इसके साथ ही हिंदू धर्म में गौमांस नहीं खाया जाता है। ठीक ऐसे मुस्लिम्स के लिए भी अलग कुछ नियम है। मुसलमान झटका मीट नहीं खाते, सिर्फ हलाल यानी मजहबी तरीके से कटा हुआ जानवर खाते हैं। मुसलमानों में सुअर का मीट नहीं खाया जाता है। ऐसे ही यहूदी यानी कि ज्यूज भी सुअर नहीं खाते हैं, कई पक्षियों को नहीं खाते हैं, जानवर काटने की भी उनकी अलग विधि है। ये सिर्फ खान पान की विधियां नहीं है बल्कि धार्मिक परंपराएं जो सैकड़ों सालों से जाकर बनी है और उनका पालन भी सैकड़ों वर्षों से हो रहा है। इन धर्मों से जुड़े लोगों के खान पान में उनका निजी फैसला भी शामिल हो सकता है। हो सकता है कि कोई हिंदू इन पाबंदियों को न मानता हो, कोई मुस्लिम इसका पालन न करता हो, लेकिन आस्था के हिसाब से खान पान का तरीका यही है। अब आप सोचिए, हिंदू आस्था के हिसाब से जो चीज़ खानी नहीं चाहिए वही चीज़ उन्हें प्रसाद में मिलाकर खिला दी गई, भगवान तक को अर्पित कर दी गई। ये कितना बड़ा धोखा है, इसे महापाप कहना भी अतिशयोक्ति नहीं होगा। और शायद यही वजह है कि अब आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने एक सनातन धर्म रक्षण बोर्ड बनाए जाने की मांग कर दी। When you give it, leave it to the political groups, there is more such incidents are likely to happen on a regular basis, which to thwart it and to put a find a permanent solution or to find a permanent method to mitigate, I think Sanatan Dharma Parirakshana Board, I think we should constitute. तो अभिनेता और आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने कहा कि सरकारें आती जाती रहेंगी, इसका व्यवस्था का पूर्ण समाधान होना ही चाहिए। दरअसल देश भर में मंदिरों से सरकार के नियंत्रण से मुक्ति की मांग को लेकर पिछले एक दशक से आवाज उठती रही है। लोगों की मांग है कि सरकार इन मंदिरों को अपने नियंत्रण से मुक्त कर दे। इससे मंदिर बोर्ड में हो रहे भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगेगा और कई लोग मानते भी हैं कि हिंदू मंदिरों की स्वतंत्रता आंदोलन न तो 2014 के बाद शुरू हुआ, कोई नया संघर्ष है, ऐसा नहीं है, नहीं ये सांप्रदायिक एजेंडे का हिस्सा है। भारत में जहां कहीं राज्य अपनी अधिकांश संपत्तियों, कंपनियों और अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को उदार बना रहे हैं, लिबरलाइजेशन ला रहे हैं, तो वहीं मंदिर अभी भी सरकारों के नियंत्रण में ही हैं। और जब तक नियंत्रण जारी रहेगी ऐसी कहानी शायद आती रहेगी।